लाइव कोलकाता, आपकी सोच। महानगर की सड़कों पर ढाई महीने बाद एक बार फिर से ट्राम चलती नजर आई। परिवहन विभाग ने ट्राम सेवा बहाल करने के दिशा निर्देश में काम शुरू कर दिया है। बालीगंज से टॉलीगंज तक ट्राम का ट्रायल रन किया गया और आज से कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर से ट्राम परिसेवा देखी गई। ट्राम कोलकाता में यातायात का सबसे पुराना साधन है। सरकारी और निजी बसें सड़कों पर उतर चुकी हैं, लेकिन तादाद काफ़ी कम है। मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं हुई है, जिसके कारण जन परिवहन पर काफ़ी दबाव है। इसी दबाव को कुछ हद तक कम करने के लिए ट्राम परिसेवा शुरू की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार फिलहाल अभी ये ट्राम बालीगंज से टॉलीगंज तक शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वे 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटकते पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम की धारावाहिक से किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था। वे फिल्म कायपो 6 में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। लाइव कोलकाता की ओर से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। नगर निगम के प्रशासक फरहाद हकीम ने एक बार फिर से पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यह नहीं पता है या राज्य सरकार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर हमला नहीं करना चाहिए। वो मुझे बुलाकर भी ये सारी बातें कह सकते थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए फरहाद हकीम ने कई सारी बातें कही जो इन दिनों राज्यपाल द्वारा ट्वीट किए गए थे या फिर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी। चाहे वो मुद्दा बंगाल में शवों के साथ अमानवीय करने का हो या सूरत में मजदूरों को पीटने का मुद्दा। आइए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। যে রাজ্যপাল পক্ষপাতিত্বের পলিটিক্সে জড়িয়ে করছেন এবং নিশ্চিতভাবে রাজ্যের প্রধান হিসেবে যদি নিরপেক্ষভাবে উনি আমাকে ডাকতেন আমি নিশ্চয়ই যেতাম, কিন্তু কিছু না জেনে হঠাৎ করে টুইট করে দিলীপবাবুর ভাষায় কথা বললে আমার মনে হয় না যে সেখানে যাওয়াটা আমার কাছে প্রয়োজন আছে। তার কারণ আমি বলছি না যে কি হয়েছে আমি জানি না এখন, কিন্তু আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার। আমপানের পরে আপনারা দেখেছেন করোনা নিয়েও রোজ আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই সময় রাজ্যপালের কাছে আমরা সহানুভূতি আশা করেছি, সেইটা না করে বিরোধী দল বিশেষ করে বিজেপি যে ভাষায় কথা বলছেন উনিও যেন মনে হচ্ছে তার প্রতিধ্বনিত্ব করছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এবং সেই কারণে আমি যাইনি, কিন্তু আমি ওনার সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলাম যে আমার অসুবিধার কথা, যে এই জন্য আমি যেতে পারিনি।
আমি আশা করব যদি নিরপেক্ষভাবে উনি যদি কোনোদিন ডাকেন যাব, কিন্তু নিরপেক্ষতা টুইটে হয় না। আমার যদি রাজ্যের প্রধান আমার টুইটে আগে আপনি আমায় অ্যাটাক করে দিলেন, তারপর আমায় ডাকছেন, কি বলব? সংবাদ মাধ্যমে আগে অ্যাটাক করে দিচ্ছেন তারপর ডাকছেন, তো বিরোধী দল তো যদি আপনার গভর্নমেন্ট হয় আপনি আগে ডেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, আপনি অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন। সেইটা না করে আপনি বিরোধী দল যেভাবে হই হই করছে রাজ্যপালে সেইভাবে হই হই করছে। माकपा पॉलित ब्यूरो के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला। इस बार उन्होंने शिक्षक का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य में शिक्षक नियोग फिलहाल बंद हो चुकी है। 2018 में टेट की परीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन अब तक परीक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं बंगाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक करके कार्य संपन्न करें। आमी बाध्य हुई मुख्यमंत्री के एवं शिक्षा मंत्री के एक चिट्ठी दिए आज के आबार बार बार बोले सरकार के बार बार बोले चाकरी कर्मसंस्थान मास्टरी तार नियोग पीएससी एसएससी टेट कहतव्य नय जा चलते कहतव्य नय घुष दुर्नीति अजस्र कोनो नीति नियम ब्यापार नहीं। 2017 সালে প্রাইমারি টেট এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু হলো না, 3 বছর হয়ে গেল, পরীক্ষার্থীদের জীবন থেকে 3টে বছর কার্যত যৌবনে চলে গেল। আবার প্রাইমারি এসে 2012 থেকে চলছে, তারপর 15 7-8 বছর হয়ে গেল। কি হচ্ছে, কি অপরাধ ওদের? চাকরি জীবনের 7-8 বছর যদি চলে যায়, আজকেও আমাকে কেউ কেউ ফোন করেছিলেন, বলছেন আমাদের চাকরি জীবনে বয়স শেষ হতে চলল, কি অপরাধ ওদের? সরকার কেন অস্পষ্ট করছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন, দেখছি, বিধানসভায় রোজ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আমরা যৌথভাবে প্রশ্ন তুলেছি, বারে বারে বলেছি, সরকার কাছে উত্তর চেয়েছি, সরকার কোনো উত্তর দেয় না, এড়িয়ে যায়। এত অস্বচ্ছ, এত অস্বচ্ছ, কোর্ট কাছারি মামলার মধ্যে সরকার নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছে যাতে রেহাই পাওয়া যায়। একই রকমভাবে গেস্ট লেকচারার বা ইত্যাদি ওরা করেছে স্যাক্ট, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার্স ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি তো নিজে 19 আগস্ট ঘোষণা করলেন, বেতন ক্রম পর্যন্ত আপনি ঘোষণা করলেন, শিক্ষা দপ্তর না আপনি, আপনার ঘোষণার অনুযায়ী। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगाने पर विचार हो सकता है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में ही 1 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कामरहट्टी के सागर दत्त अस्पताल में पिछले 2 दिनों से अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए शनिवार को आईएमए के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन पहुंचे। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना।
उनकी मांगों को लेकर विचार करने का आश्वासन भी उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को दिया। इस दौरान संवाददाताओं के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि अस्पताल के पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाए जाने पर इन डॉक्टरों व स्थानीय नागरिकों का विरोध सामने आया है। इस पर विचार किए जाने के बाद फैसला लिया गया है कि फिलहाल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ही 50 बेडों की सुविधा के साथ कोविड अस्पताल की व्यवस्था होगी, जबकि अन्य जरूरी चिकित्सा सेवाओं को भी विशेष व्यवस्था के साथ चालू किया जाएगा। তার সাথে একটা পার্টিকুলার পোর্শনে কোভিড পেশেন্ট ভর্তি করা হবে। সেই সরকারি সিদ্ধান্তগুলো আজকে ডিএমই স্যার আসবেন বিকেল 3:30 সময়, সেখানে আমি থাকবো। ডিএমই আবার ফার্দার সেটাকে দেখতে সেই ক্ষেত্রে কি 500 বেডের থেকে কমে গেল? শুরুতে কোনো 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 জায়গাতে শুরুতে 500 বেড নয়, এটা আমাদের ডিএমই এসে ডিক্লেয়ার করবেন। আমাদের শুরুতে 50 বেড দিয়ে শুরু হবে, তারপর যেরম যেরম বাড়বে সেরকম। आउटडोर इमरजेंसी व अन्य जटिल रोगों के मरीजों की भी चिकित्सा होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि संक्रमण से बचते हुए यह व्यवस्थाएं की जा सके, इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों की पढ़ाई को लेकर भी विचार किया जा रहा है। तो मेडिकल এর আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হয়েছে, কৃষি মেডিকেল কলেজ হয়েছে, প্রয়োজনের তাগিদে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের একটা অংশে কিছু কোভিড পেশেন্ট ভর্তি করা হবে। এটা সরকারি সিদ্ধান্ত এবং এখানে আজকে প্রিন্সিপাল, সুপার, সমস্ত ইন্টার্ন, জুনিয়র ডাক্তার, সমস্ত স্তর ফ্যাকাল্টি মেম্বার, তাদের উপস্থিতিতে একটা প্রারম্ভিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হলো। সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। আমাদের এখানে কোভিড পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট শুরু হবে, তার সাথে সাথে নন কোভিড পেশেন্ট যারা আছে তাদেরও সমানভাবে ট্রিটমেন্ট এখানে দেওয়া হবে। সমস্ত ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ যারা আছে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা মানুষের পরিষেবায় যেভাবে কাজ করছে কোভিড পেশেন্টের পরিষেবাতেও সেভাবে কাজ করবে। এবং কোভিড পেশেন্ট এখানে রাখা হবে বলে নন কোভিড পেশেন্টের জন্য পরিষেবা দেওয়া হবে না, এই ধারণাটা যারা ছড়াতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কোভিড নন কোভিড সমস্ত পেশেন্টকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে সাগর দত্ত তারই একটা রোল মডেল হতে চলেছে। এই আলোচনা আজকে আমাদের মধ্যে হয়েছে, সরকারি অনেক কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। कोरोना की जंग लड़ते लड़ते उसे पता नहीं चला और वह कब कोरोना संक्रमित हो गया। इस संक्रमण से ग्रस्त कोलकाता पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप सरदार है, वह सियालदा ट्रैफिक गार्ड में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पुलिस कांस्टेबल को 3 जून को NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना का टेस्ट करने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस कर्मी को वहां से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शनिवार के सुबह इलाज के दौरान ही उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आपको बता दें, इससे पहले कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन के GRO में कार्यरत एक कांस्टेबल की कोरोना के कारण ही मौत हुई थी। OTLDSRB मेडिकल सॉल्यूशंस, एक ISO सर्टिफाइड कंपनी जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, OT टेबल, ICU सॉल्यूशंस, LED ऑपरेशन थिएटर लाइट, CSST फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल OT टेबल और इसके साथ ही OTL अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 12 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इस अवधि में कोरोना के 454 नए मामले सामने आए हैं।
कोलकाता में ही 24 घंटे में रिकॉर्ड 158 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा हावड़ा, उत्तर 24 परगना व पश्चिम मेदिनीपुर में 62, 69 और 49 मामले पाए गए हैं। यह चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो अब तक कुल कोरोना वायरस के मामले राज्य में बढ़कर 10,698 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,008 लोगों के कोरोना वायरस के सैंपल जांच किए जा चुके हैं। इससे अब तक 3,24,707 लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। अब तक कुल 45 लेबोरेटरी को कोरोना वायरस की जांच के लिए ICMR की अनुमति मिल चुकी है। इससे कोरोना वायरस की टेस्टिंग में काफी इजाफा हुआ है। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। वार्ड नंबर 2 और 25 के बाद अब रायगंज के वार्ड नंबर 23 में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति पाया गया। शहर के दक्षिण बीरनगर के वार्ड नंबर 23 में 46 वर्षीय टोटो चालक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। हालांकि पहले इसकी तलाश के लिए लोगों को काफी दिक्कतें हुई। टोटो चालक के ठिकाने रायगंज के दक्षिण वीरनगर में उसके दस्तावेजों के आधार पर पाया गया। खबर मिलते ही रायगंज के मेयर संदीप विश्वास समेत स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित को एम्बुलेंस में रायगंज के कोविड अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले रायगंज के वार्ड नंबर 27 में देवी नगर कालीबाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों में लार के नमूने एकत्र किए गए थे और उस समय उस व्यक्ति का नमूना भी लिया गया था। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने कहा है कि उनकी रिपोर्ट आज सुबह सकारात्मक आई। जे हमारे दक्षिण बीरनगर हमार निजे वार्डे हमार बारी एकदम पश्चिम दिखे भवेश बर्मन टोटो चालक 46 বছর বয়স গত 5ই জুন কমিউনিটি ডেভেলপ করেছে কিনা এটা জানার জন্য ডাক্তার দেবাশিস মণ্ডল আমাকে অনুরোধ করেন যে 25 জনের আমরা সোয়াব টেস্ট করব অন দ্য স্পট, একটা স্পট বলুন রায়গঞ্জ শহরে। তখন আমি আমাদের অসের ওয়ার্ডের কাউন্সিলর 27 নম্বর ওয়ার্ডে প্রসেনজিৎ সরকার কে বলি যে তাহলে তোর ওয়ার্ড আর আমার ওয়ার্ড মিলে দেবীনগর কালীবাড়িতে একটা পয়েন্ট হোক, দেবীনগর কালীবাড়িতে 25 জনের সব টেস্ট করানোর জন্য সরকার ব্যবস্থা করছে, সেম ইজ দপ্তর থেকে আমাকে জানিয়েছে। তখন আমরা, সেটা ছিল পরিবেশ দিবসের দিন, আমরা সমস্ত প্রোগ্রাম করে আমরা বেলা 1টা থেকে আমরা অপেক্ষা করি, 3টার সময় গাড়ি আসে এবং 3টার সময় থেকে সোয়াব টেস্ট শুরু হয়। এই ভবেশ বর্মন টোটো চালক আমাদের নিজেদের পরিবারের মতন, তার সোয়াব টেস্ট হয়। আজকে ঠিকানাটা একটু ভুল লেখার কারণে মানে আমাদের আইডেন্টিফাই করতে দেরি হলো, কারণ ওখানে লেখা ছিল দেবীনগর, আসলে এই জায়গাটার নাম দক্ষিণ বীরনগর, এই কারণে ওনাকে আইডেন্টিফাই করতে একটু দেরি হলো। শ্রমিক দপ্তর থেকে তারপরে আমাদেরকে জানালো যে ভবেশ বর্মন, যা কিনা দেবীনগর পয়েন্টে গত 5 তারিখে সোয়াব টেস্ট করা হয়েছিল, সেই ভবেশ বর্মনই এই ভবেশ বর্মন। তখন আইডেন্টিফাই করার পর তাদের মোবাইলের ওটিপি নাম্বার নেওয়া ছিল, এই সমস্ত দিক সার্চ করে আমাদের পজিটিভ বার হওয়ার কারণে এখন সিএমএইচের দপ্তর থেকে আসবেন এবং অলরেডি আইসি রায়গঞ্জ থানা দক্ষতার সঙ্গে উনি সময় মতো চলে এসছেন গোটা পুরো টিম নিয়ে। আমরা পৌরসভা থেকে উদ্যোগ নিচ্ছি যে কিভাবে সংক্রমণকে ছড়ানোর হাত থেকে বাঁচানো যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা করবার জন্যে। আমরা ভবেশদাকে তো গভর্নমেন্ট থেকে নিয়ে মিকি মেঘাতে চলে যাবে, আর ওনাদের বাড়িতে দুজন বন্দর থেকে এসেছিল আত্মীয়, তো আত্মীয়রাও প্রাইমারি কন্ট্যাক্টে চলে এলো, সেজন্য ওনাদেরকে আমরা
স্টেডিয়ামে ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে নিয়ে যাব। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राहुल सिन्हा ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी द्वारा माननीय राज्यपाल पर असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च माध्यमिक परीक्षा की घोषणा उस समय पूरी तरह से अनुचित है जब कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। जखन पश्चिम बांगलाय बा सारा देशे संक्रमण कम छिलो सेई समयते राज्य सरकार उच्च माध्यमिक परीक्षा के पिछिए दे। आज जखन संक्रमण भयंकर आकार धारण करेछे, प्रतिदिन संक्रमण हू करे बाड़छे, सेई समय जुलाई मासे उच्च माध्यमिक परीक्षा घोषणा करा एवं सेई परीक्षा के कराते जावा कतटा अविवेचक काज, एई सरकार कोनो विवेचनाई नेई। যেখানে এখনো প্রচুর কন্টেনমেন্ট জোন হয়ে গেছে, বাস এবং অন্য পরিষেবা এখনো ঠিকমতো শুরুই হয়নি, ট্রেন চলাচল এখনো স্বাভাবিক নেই এবং লোকাল ট্রেন চলছে না, সেই সময়তে রাজ্য সরকার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পুরো বাংলাকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা করিয়ে বিদ্বান করে তুলবে, তো এটা কোন জাতীয় সিদ্ধান্ত? এই সরকার স্পষ্ট করুক তাহলে, মার্চ মাসে যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ছিল সেটা পেছালো কেন? তখন তো সংক্রমণ কম ছিল, আজ যখন হু করে সংক্রমণ বাড়ছে সেই সময় পরীক্ষা করার কি যৌক্তিকতা আছে? সেই কারণে এই সরকার একটা এলোমেলো সরকার, এই সরকার চিন্তাহীন সরকার, এই সরকার যে কাজ করে চিন্তা না করে করে। সেই কারণে আমি সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বিষয় ভালো করে ভেবে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে তবেই পরীক্ষার দিন নিশ্চিত করুন। वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने रविवार की सुबह एक वीडियो संदेश में कहा है कि देश ने लोगों को चीनी राष्ट्रीय उत्पादों का बहिष्कार करना चाहिए और घर की चीजों का उपयोग करना चाहिए। राजीव बैनर्जी ने हर देशवासियों से अपील की है कि वो चीन का सामान न अपनाकर स्वदेशी सामान को अपनाएं। इस समय चीन ने भारत की सभी सीमाओं पर युद्ध छेड़ दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन से आयात हमारे देश में सबसे अधिक है और निर्यात सबसे कम, नतीजतन चीन आर्थिक रूप से हम पर बहुत हद तक निर्भर है। चीन ने भारत के साथ फिर से युद्ध छेड़ दिया है। ऐसी स्थिति में राजीव बैनर्जी ने कहा है कि आम लोगों को सभी चीनी उत्पादों को खत्म करके स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। सीमांत जुड़े एक चापा उत्तेजना रही है, एकदिके लद्दाखे सीमांत चापा उत्तेजना रही है, অরুণাচল প্রদেশে রয়েছে, নেপাল ভুটান সিকিম এই সমস্ত সীমান্ত জুড়ে একটা চাপা উত্তেজনা তৈরি করেছে। আপনারা জানেন আমি কার কথা বলছি, চীন। এবং প্রত্যেকটা মুহূর্ত আপনারা জানেন যে চীন সবসময় তাদের একটা আগ্রাসী মনোভাব কিন্তু রয়েছে, এবং দেখুন তারা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে ঠিক এই সময় চেষ্টা করছে বিশ্বকে একটা অন্যরকম দিক দেখানোর জন্য, ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের উপরে একটা চাপ সৃষ্টি করার মনোভাব তারা নিয়েছে। আমি অনুরোধ করব এই সময় সমস্ত রাজনীতি ভুলে গিয়ে, সকল রাজনৈতিক দলকে অনুরোধ করব এই বিষয়ে সমস্ত রাজনীতি ভুলে গিয়ে আসুন দেশবাসী সকলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই, এবং এই সীমান্ত জুড়ে যে চীনের যে মনোভাব, যে একটা যুদ্ধ রব তারা তুলতে চাইছে,
ইচ্ছাকৃতভাবে তারা জোর জবরদস্তি কায়েম করতে চাইছে তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করি, গর্জে উঠি। আমি সমস্ত দেশবাসীকে অনুরোধ করব যে দেখুন, আমরা বেশিরভাগ মানুষ অনেক সময় দেখি হয়তো চীনা বস্তু বা চীনা সামগ্রী কিনতে আমাদের খুব আগ্রহ। আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে চীনের অর্থনীতি অনেকটাই ভারতবর্ষের উপরে নির্ভর করে আছে। আমরা যতটা আমদানি করি চীন থেকে, আমাদের রপ্তানি চীন দেশে কিন্তু ততটা নয়। অর্থাৎ ওরা আমাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করছে, আমাদের মাধ্যমে আর্থিকভাবে সবল হচ্ছে, আবার ভারতবর্ষের উপরে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই আগ্রাসী মনোভাবটাও নিচ্ছে। সুতরাং আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আমাদের দেশের অনেক দেশীয় সামগ্রী আছে, বস্তু আছে, যেগুলো আমি মনে করি সারা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম, সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করি। চাইলে অন্যান্য রাষ্ট্র, যারা আমাদের বন্ধু প্রতিবেশী রাজ্য রাষ্ট্রগুলো আছে, তাদের কাছ থেকে কিনি, কিন্তু এই চীনের সঙ্গে আর কোনো রকমভাবে যাতে আমাদের কোনো অর্থনৈতিক তাদের জিনিস কিনে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে মজবুত করার কোনো অর্থ হয় না। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, সমস্ত চীনা সামগ্রী বস্তু কেনা বন্ধ করুন, দেশীয় জিনিস ব্যবহার করুন। দরকার হলে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য যে বিদেশি রাষ্ট্রগুলো যাদের সাথে আমাদের সদ্ভাব আছে, তাদের যদি একান্তই কিনতে হয় তাদের প্রোডাক্ট কিনুন। OTLD is RB Medical Solutions, ek ISO certified company jo banati hai world class hospital furniture aur products jaise ward care solutions, bed solutions, examination solutions, OT table, ICU solutions, LED operation theater light, CSSD furniture, hydraulic surgical OT table. और इसके साथ ही ओटेल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से दे पूरा सफाया। लॉकडाउन के कारण समाज के अधिकतर लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इस परिस्थिति के बीच कई स्कूलों ने फीस भी बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है। बृहत्तर बड़ा बाजार के विभिन्न स्कूलों में लॉकडाउन के अवधि में स्कूलों के बंद के दौरान छात्रों से फीस नहीं लिए जाने के संग शिक्षकों को पूरी तनख्वाह दिए जाने की मांग पर मिथिला विकास परिषद एवं विप्र एकता फाउंडेशन की ओर से मुहिम चलाया गया। इस संदर्भ में मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा एवं विप्र एकता फाउंडेशन के संयोजक अभिषेक असोपा ने 23 नंबर वार्ड में स्थित मारवाड़ी बालिका विद्यालय में उपस्थित स्कूल के अधिकारी को इस आशय का अनुरोध पत्र सौंपा। मौके पर उपस्थित मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा ने कहा है कि मानवता के नाम पर लॉकडाउन के दौरान बंद स्कूल के कर्ताओं द्वारा फीस नहीं लिए जाने के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी से हस्तक्षेप हेतु मिथिला विकास परिषद ने पत्र लिखा है। अशोक झा ने राज्य की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के द्वारा फीस नहीं बढ़ाए जाने के अनुरोध का स्वागत किया। मौके पर अशोक झा के अलावा अभिषेक असोपा, संतोष खेरवार, सत्यम सिंह, पुसनजीत सिंह उपस्थित थे। मिथिला विकास परिषद का नहीं, मानवता के नाम से अनुरोध मात्र समझें, और मैं मारवाड़ी बालिका विद्यालय समेत जितने भी स्कूल हैं बृहत्तर बड़ा बाजार में, चाहे वो महेश्वरी विद्यालय हो, चाहे वो जैन विद्यालय हो, चाहे वो मारवाड़ी बालिका विद्यालय के अलावा दिगंबर जैन बालिका विद्यालय हो, चाहे वो हमारी महेश्वरी गर्ल्स स्कूल जो है दूध बाजार में वो स्कूल हो, जितने भी स्कूल हैं, उस स्कूल के ट्रस्टी से, उस स्कूल के प्रेसिडेंट से, उस स्कूल के हेडमास्टर से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में जो लोग वित्तीय अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं उनके तरफ ध्यान देकर और शिक्षकों का ध्यान रखें। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि शिक्षक ही इस देश को मजबूत बना सकता है। एक तरफ किसान बनाएगा मजबूत, दूसरी तरफ शिक्षा के प्रसार से शिक्षक लोग करेंगे। तो मैं शिक्षकों को भी पूरा वेतन मिले इसके लिए मैं उन मैनेजमेंट से अनुरोध करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल की फीस माफ़ कर दें और शिक्षकों का वेतन हम कटौती कर दें, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, पैसा कमाने के लिए सारा जहान बाकी है। अभी जो समय बीत रहा है उस समय मानवता के नाम पे सबसे पहले हमें त्याग की भूमिका को अडॉप्ट करना होगा। मैं ममता बनर्जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए 4 दिन पहले अखबार के माध्यम से आपने देखा होगा कि उन्होंने विभिन्न स्कूलों के जो अधिकारी हैं उनसे अनुरोध किए हैं कि आप फीस मत बढ़ाएं।
आप अखबार के माध्यम से देखते होंगे कि इस संक्रमण काल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूल हैं जो फीस बढ़ा रहे हैं। अब बताइए बच्चे खाएंगे क्या, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बच्चे का ड्रेस कहाँ से आएगा, बच्चे का जूता कहाँ से आएगा, बच्चे को दो वक्त का टिफिन कैसे मिलेगा, उसके अभिभावक कहाँ से इतना पैसा जुगाड़ करेंगे कि बढ़े हुए फीस को दें, या फीस देने में ही उनकी हालत ख़राब है तो बढ़े हुए फीस को। तो मैं ममता दीदी को धन्यवाद देता हूँ। मैं फिर कहता हूँ, मैं राजनीति में विश्वास करने के बावजूद ये मानवता का जो अपील है उस अपील में किसी भी प्रकार की राजनीति का गंध अगर कोई देखता है तो उससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। मैं सभी राजनेताओं से अनुरोध करूंगा कि मिथिला विकास परिषद की इस मुहिम को मदद करें, और ममता दीदी को इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि चार दिन पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से मैनेजमेंट से अनुरोध किया है, प्राइवेट स्कूलों के मैनेजमेंटों से, कि वे फीस न बढ़ाएं। करें तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी मेधावी छात्राओं का यहाँ पे शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि मारवाड़ी बालिका विद्यालय के जो अधिकारी यहाँ उपस्थित थे उन्हें जब मैं ये पत्र दिया हूँ तो वो बड़ी सहर्ष से इस बात को स्वीकार किए हैं, और मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आपसे फिर शुक्रगुजार हूँ। आपका अनुरोध करता हूँ कि आप भी सजग भाव से नो स्कूल नो क्लास नो फीस के फॉर्मूला को एडॉप्ट करेंगे, और मैं समझता हूँ कि शायद मारवाड़ी बालिका विद्यालय ठीक उसी प्रकार आपको। क्या हमारा मन हमें चला रहा है, या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपंग नेता करार दिया। आज हावड़ा के चटर्जी हाट में एक पार्टी समारोह में पहुंचे उन्होंने कहा कि वर्तमान पश्चिम बंगाल सरकार कोरोना से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है, जीवितों के साथ साथ मृतकों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इस राज्य में आज लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में है। इस सरकार ने अपना दम तोड़ दिया है और ये सरकार पूरी तरीके से लड़खड़ा गई है। राज्य सरकार खुड़िए खुड़िए चलते विशेष कर पश्चिमबंग राज्य सरकार মমতা রানী অবিলম্বে পদত্যাগ করা উচিত। যেমন এটা ঠিক কথা, করোনাতে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে, মহামারী সে এটাকে আটকানো যাচ্ছে না, কিন্তু এটাও তো ঠিক কথা যে তার সঙ্গে মৃতদেহদের কিভাবে আমরা রাখবো, মৃতদেহগুলোকে আমরা কিভাবে আমরা শ্মশান ঘাটে বা আমরা অবস্থানে নিয়ে যাবো, কিন্তু কোনো রকম কিছু নেই। অ্যাকচুয়ালি সরকারের হাঁটু ভেঙে গেছে, এটা পটলের মুখে, এরা শুধুমাত্র সরকারটা ধরে বসে আছে। দেখুন, এরা জীবিত অবস্থায় থাকছে তখন সম্মান রাখতে পারছে না, আর মৃত্যুর পরেও সম্মান রাখতে পারছে না। এরা মানুষকে জন্তু জানোয়ারের চেয়ে অধম ভাবছেন। জীবিত বাড়ির অবস্থায় আমরা দেখছি আমপনে যেসব দক্ষিণ চন্দ্রনে উত্তর চন্দ্রনে কিছু জায়গাগুলোতে সেখানে মানুষ আজও সেখানে জীবিত অবস্থাতে ওরা ভালো রাখছেন না, আর মৃত অবস্থাতে তাদের কোনো ভালো রাখছেন না। একটা অপদার্থ সরকার। उन्होंने मुख्यमंत्री के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी सवाल खड़े किए जो युवा शक्ति के नाम पर 1,00,000 कैडर की भर्ती कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो लोग भर्ती हो रहे हैं वे 7,000 रुपए का भुगतान भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने सही समय पर तालाबंदी की घोषणा नहीं की होती तो कई लोग कोरोना से प्रभावित होते। আসলে এটা হচ্ছে 130 কোটির দেশে, 130 কোটির দেশে এটা
এর আগে যদি মোদিজির লকডাউন না পড়তে তাহলে এই সংখ্যাটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রতিদিন যে 11,000 বা 10,000 ছাড়িয়ে আছে, এটা প্রায় 75,000 ছাড়িয়ে যাওয়ার জায়গায়। তো আজকে আমরা সবাই চিন্তিত যে করে ভ্যাকসিন আবিষ্কার হোক, দেখুন একটা কথা বলি, যদি লকডাউন এক্সটেন্ড আমরা করতাম তাহলে তো দেখা যেত অনেক মানুষ না খেতে যা মারা যেত, ভুকামারি শুরু হতো। তো ভুকামারিটা অন্তত তো শুরু হয়নি, সে জায়গায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্র সরকার সরস্বতীতে রাসায়নিক অবস্থা থেকে শুরু করে। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। महानगर की सड़कों पर 2.5 महीने बाद एक बार फिर से ट्राम चलती नजर आई। परिवहन विभाग ने ट्राम सेवा बहाल करने के दिशा निर्देश में काम शुरू कर दिया है। बालीगंज से टॉलीगंज तक ट्राम का ट्रायल रन किया गया और आज से कोलकाता की सड़कों पर एक बार फिर से ट्राम परिसेवा देखी गई। ट्राम कोलकाता में यातायात का सबसे पुराना साधन है। सरकारी और निजी बसें सड़कों पर उतर चुकी हैं लेकिन तादाद काफ़ी कम है। मेट्रो सेवा अभी शुरू नहीं हुई है जिसके कारण जन परिवहन पर काफ़ी दबाव है। इसी दबाव को कुछ हद तक कम करने के लिए ट्राम परिसेवा शुरू की गई है। परिवहन विभाग के अनुसार फिलहाल अभी ये ट्राम बालीगंज से टॉलीगंज तक शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। बॉलीवुड से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी है। वे 34 साल के थे। सुशांत बॉलीवुड के बेहद लोकप्रिय एक्टर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत के कुछ दोस्त भी उनके घर पर थे। उनके कमरे के दरवाजे को जब तोड़ा गया तो रूम में सुशांत फांसी के फंदे से लटकते पाए गए। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वे पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टीवी एक्टर के तौर पर की थी। उन्होंने सबसे पहले किस देश में है मेरा दिल नाम की धारावाहिक से किया था, पर उन्हें पहचान एकता कपूर के धारावाहिक पवित्र रिश्ता से मिली। इसके बाद उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था। वे फिल्म कायपो 6 में लीड एक्टर के तौर पर नजर आए थे। लाइव कोलकाता की ओर से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि। नगर निगम के प्रशासक फरहाद हकीम ने एक बार फिर से पत्रकारों को संबोधित करते हुए राज्यपाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को यह नहीं पता है या राज्य सरकार के सदस्यों को सोशल मीडिया पर हमला नहीं करना चाहिए, वो मुझे बुलाकर भी ये सारी बातें कह सकते थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए फरहाद हकीम ने कई सारी बातें कही जो इन दिनों राज्यपाल द्वारा ट्वीट किए गए थे या फिर उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी, चाहे वो मुद्दा बंगाल में शवों के साथ अमानवीय करने का हो या सूरत में मजदूरों को पीटने का मुद्दा। आइए आपको सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। যে রাজ্যপাল পক্ষপাতিত্বের পলিটিক্সে জড়িয়ে করছেন এবং নিশ্চিতভাবে রাজ্যের প্রধান হিসেবে যদি নিরপেক্ষভাবে উনি আমাকে ডাকতেন আমি নিশ্চয়ই যেতাম,
কিন্তু কিছু না জেনে হঠাৎ করে টুইট করে দিলীপ বাবুর ভাষায় কথা বললে আমার মনে হয় না যে সেখানে যাওয়াটা আমার কাছে প্রয়োজন আছে। তার কারণ আমি বলছি না যে কি হয়েছে আমি জানি না এখন, কিন্তু আমরা কর্পোরেশনের তরফ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করছি মানুষকে পরিষেবা দেওয়ার। আমপানের পরে আপনারা দেখেছেন করোনা নিয়ে রোজ আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি। এই সময় রাজ্যপালের কাছে আমরা সহানুভূতি আশা করেছি, সেইটা না করে বিরোধী দল বিশেষ করে বিজেপি যে ভাষায় কথা বলছেন উনিও যেন মনে হচ্ছে তার প্রতিধ্বনিত্ব করছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের। এবং সেই কারণে আমি যাইনি, কিন্তু আমি ওনার সেক্রেটারিকে জানিয়েছিলাম যে আমার অসুবিধার কথা, যে এই জন্য আমি যেতে পারিনি। আমি আশা করবো যদি নিরপেক্ষভাবে উনি যদি কোনোদিন ডাকেন যাব, কিন্তু নিরপেক্ষতা টুইটে হয় না। আমার যদি রাজ্যের প্রধান আমার টুইটে আগে আপনি আমায় অ্যাটাক করে দিলেন তারপর আমায় ডাকছেন, কি বলব? সংবাদ মাধ্যমে আগে অ্যাটাক করে দিচ্ছেন তারপর ডাকছেন, তো বিরোধী দল তো যদি আপনার গভর্নমেন্ট হয় আপনি আগে ডেকে আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন, আপনি অফিসারকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন। সেইটা না করে আপনি বিরোধী দল যেভাবে হই হই করছে রাজ্যপালের সেইভাবে হই হই করছে। मकपा पॉलिट ब्यूरो के सदस्य सुजन चक्रवर्ती ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला। इस बार उन्होंने शिक्षक का मुद्दा उठाया और कहा कि राज्य में शिक्षक नियोग फिलहाल बंद हो चुकी है। 2018 में टेट की परीक्षा के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन अब तक परीक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था वो अब तक पूरा नहीं हो पाया है। मैं बंगाल सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि एक एक करके कार्य संपन्न करें। आमी बाध्य मुख्यमंत्री के एवं शिक्षामंत्री के एक चिठी दिए आज के आबार बार बार बोले सरकार के बार बार बोले चाकरी कर्मसंस्थान मास्टरी तार नियोग पीएससी एसएससी टेट कहतव्य नय जा चलते कहतव्य नय घुष दुर्नीति अजस्र कोनो नीति नियमेर ব্যাপার নেই। 2017 সালে প্রাইমারি টেট এখনো পর্যন্ত কিচ্ছু হলো না, 3 বছর হয়ে গেল, পরীক্ষার্থীদের জীবন থেকে 3টে বছর কার্যত যৌবনে চলে গেল। আবার প্রাইমারি সে 2012 থেকে চলছে, তারপর 15-17 বছর হয়ে গেল। কি হচ্ছে, কি অপরাধ ওদের? চাকরি জীবনের 7-8 বছর যদি চলে যায়, আজকেও আমাকে কেউ কেউ ফোন করেছিলেন বলছেন আমাদের চাকরি জীবনে বয়স শেষ হতে চললো, কি অপরাধ ওদের? সরকার কেন অস্পষ্ট করছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার বলেছেন দেখছি, বিধানসভায় রোজ প্রশ্ন তোলা হয়েছে, আমরা যৌথভাবে প্রশ্ন তুলেছি, বারে বারে বলেছি, সরকার কাছে উত্তর চেয়েছি, সরকার কোনো উত্তর দেয় না, এড়িয়ে যায়। এত অসচ্ছ, এত অসচ্ছ, কোর্ট কাছারি মামলার মধ্যে সরকার নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছে যাতে রেহাই পাওয়া যায়। একই রকমভাবে গেস্ট লেকচারার বা ইত্যাদি ওরা করেছে স্যাক্ট, স্টেট এইডেড কলেজ টিচার্স ইত্যাদি ইত্যাদি। আরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনি তো নিজে 19 আগস্ট ঘোষণা করলেন, বেতন ক্রম পর্যন্ত আপনি ঘোষণা করলেন, শিক্ষা দপ্তর না আপনি, আপনার ঘোষণার অনুযায়ী। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को।
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की और कोरोना वायरस को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगाने पर विचार हो सकता है। आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 10 दिनों में ही 1,00,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। कामरहट्टी के सागर दत्त अस्पताल में पिछले 2 दिनों से अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टरों से मिलने के लिए शनिवार को आईएमए के अध्यक्ष व सांसद डॉक्टर शांतनु सेन पहुंचे। उन्होंने जूनियर डॉक्टरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। उनकी मांगों को लेकर विचार करने का आश्वासन भी उन्होंने जूनियर डॉक्टरों को दिया। इस दौरान संवाददाताओं के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा है कि अस्पताल के पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाए जाने पर इन डॉक्टरों व स्थानीय नागरिकों का विरोध सामने आया है। इस पर विचार किए जाने के बाद फैसला लिया गया है कि फिलहाल अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में ही 50 बेडों की सुविधा के साथ कोविड अस्पताल की व्यवस्था होगी, जबकि अन्य जरूरी चिकित्सा सेवाओं को भी विशेष व्यवस्था के साथ चालू किया जाएगा। শুরুতে কোনো জায়গাতে শুরুতে 500 বেড নয়, এটা আমাদের ডিএমই এসে ডিক্লেয়ার করবেন। আমাদের শুরুতে 50 বেড দিয়ে শুরু হবে, তারপর যেরম যেরম বাড়বে সেরকম। आउटडोर इमरजेंसी व अन्य जटिल रोगों के मरीजों की भी चिकित्सा होगी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि संक्रमण से बचते हुए यह व्यवस्थाएं की जा सके, इस पर पूरा ध्यान देने की जरूरत होगी। वहीं उन्होंने कहा है कि जूनियर डॉक्टरों की पढ़ाई को लेकर भी विचार किया जा रहा है। तो मेडिकल कॉलेज এর আগে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হয়েছে, কৃষি মেডিকেল কলেজ হয়েছে, প্রয়োজনের তাগিদে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের একটা অংশে কিছু কোভিড পেশেন্ট ভর্তি করা হবে, এটা সরকারি সিদ্ধান্ত। এবং এখানে আজকে প্রিন্সিপাল, সুপার, সমস্ত ইন্টার্ন, জুনিয়র ডাক্তার, সমস্ত স্তর ফ্যাকাল্টি মেম্বার, তাদের উপস্থিতিতে একটা প্রারম্ভিক আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত হলো। সবাই সেটা মেনে নিয়েছে। আমাদের এখানে কোভিড পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট শুরু হবে, তার সাথে সাথে নন কোভিড পেশেন্ট যারা আছে তাদেরও সমানভাবে ট্রিটমেন্ট এখানে দেওয়া হবে। সমস্ত ইন্টার্ন, হাউস স্টাফ যারা আছে তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা মানুষের পরিষেবায় যেভাবে কাজ করছে কোভিড পেশেন্টের পরিষেবাতেও সেভাবে কাজ করবে। এবং কোভিড পেশেন্ট এখানে রাখা হবে বলে নন কোভিড পেশেন্টের জন্য পরিষেবা দেওয়া হবে না, এই ধারণাটা যারা ছড়াতে চাইছে তাদের উদ্দেশ্যে বলি, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে কোভিড, নন কোভিড সমস্ত পেশেন্টকে সমান গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আগামী দিনে সাগর দত্ত তারই একটা রোল মডেল হতে চলেছে। এই আলোচনা আজকে আমাদের মধ্যে হয়েছে, সরকারি অনেক কিছু সিদ্ধান্ত হয়েছে। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु, एक पहल शिक्षा की ओर। अब पाए 8,000 से भी ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीधा एडमिशन और सीखें 300 से भी ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। सिर्फ एक ऑनलाइन एग्जाम के जरिए पाए 100% तक की स्कॉलरशिप भी। तुरंत संपर्क करें कोलकाता के मशहूर एडमिशन एंड प्लेसमेंट कंसल्टेंट एडमिशन गुरु को। कोरोना की जंग लड़ते लड़ते उसे पता नहीं चला और वह कब कोरोना संक्रमित हो गया। इस संक्रमण से ग्रस्त कोलकाता पुलिस के एक ट्रैफिक कांस्टेबल की मौत हो गई। मृतक का नाम दिलीप सरदार है, वह सियालदह ट्रैफिक गार्ड में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार बुखार और सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पुलिस कांस्टेबल को 3 जून को NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान कोरोना का टेस्ट करने पर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पुलिस कर्मी को वहां से कलकत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शनिवार के सुबह इलाज के दौरान ही उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। आपको बता दें, इससे पहले कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन के GRO में कार्यरत एक कांस्टेबल की कोरोना के कारण ही मौत हुई थी। OTLT SRB मेडिकल सॉल्यूशंस, एक ISO सर्टिफाइड कंपनी,
जो बनाती है वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल फर्नीचर और प्रोडक्ट्स जैसे वार्ड केयर सॉल्यूशंस, बेड सॉल्यूशंस, एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस, ओटी टेबल, आईसीयू सॉल्यूशंस, एलईडी ऑपरेशन थिएटर लाइट, सीएसएसटी फर्नीचर, हाइड्रोलिक सर्जिकल ओटी टेबल और इसके साथ ही होटल अब लेके आए हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स जो जर्म्स और वायरस से भी पूरा सफाया। बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित होकर 12 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा इस अवधि में कोरोना के 454 नए मामले सामने आए हैं। कोलकाता में ही 24 घंटे में रिकॉर्ड 158 नए मामले मिले हैं। इसके अलावा हावड़ा, उत्तर 24 परगना व पश्चिम मेदिनीपुर में 62, 69 और 49 मामले पाए गए हैं। यह चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो अब तक कुल कोरोना वायरस के मामले राज्य में बढ़कर 10,698 पर पहुंच चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 9,008 लोगों के कोरोना वायरस के सैंपल जांच किए जा चुके हैं। इससे अब तक 3,24,707 लोगों के सैंपल की जांच हो चुकी है। अब तक कुल 45 लेबोरेटरी को कोरोना वायरस की जांच के लिए ICMR की अनुमति मिल चुकी है। इससे कोरोना वायरस की टेस्टिंग में काफी इजाफा हुआ है। क्या हमारा मन हमें चला रहा है या हम अपने मन को आज के इस कठिनाई भरे समय में अपने अवचेतन मन को सशक्त कर सकारात्मक ख्यालों की ओर आइए बढ़ाएं एक कदम होप के साथ। जुड़िए हमारे फेसबुक पेज पे और देखिए हर प्रकार की मोटिवेशनल वीडियोस। And all what is whatever is happening in India and around the globe, एक बात को सामने आती है कि हम लोग कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन हम कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। आज मुझे एहसास हुआ कि जानवर और परिंदे कैद में कैसा महसूस करते होंगे। लाइव कोलकाता, आपकी सोच